अगली डिश आपके लिए अमेरिका से आई है जो देखने में काफी टेस्टी लग रही है। ये एक डेजर्ट है जिसे प्रियंका चोपड़ा ने ही बनाया भी है और भेजा भी है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को अमेरिका में यूनिसेफ की तरफ से समाज के लिए काम करने पर अवार्ड से नवाजा गया है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ के स्नोफ्लेक बॉल अवार्ड फंक्शन में जब प्रियंका चोपड़ा रेड ड्रेस में पहुंची, तो मीडिया के लोग उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड करने में जुट गए। प्रियंका ने वन स्लीव और छोटी ट्रेल वाला गाउन पहना था और बालों की पोनीटेल बनाकर सिंपल, सोबर और मॉडर्न लुक दिया था। इसके साथ प्रियंका ने पेंडेंट स्टाइल वाले इयररिंग भी पहने। इस अवार्ड फंक्शन में प्रियंका को जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके लिए यूनिसेफ ने उन्हें बधाई भी दी। उनका करीब एक दशक से भी ज्यादा वक्त से यूनिसेफ से जुड़ी है और बच्चों के लिए काफी काम भी कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा इस इवेंट में पहुंची तो मीडिया को भी उनसे उनकी शादी की पहली सालगिरह पर सवाल करने का मौका मिल गया। प्रियंका ने भी बड़ी सफाई से अपनी शादी के सालगिरह के जश्न को छुपाए रखा। प्रियंका और निक जोनस की शादी पिछले साल 1 और 2 दिसंबर को हुई थी। तब से ही प्रियंका अपने निजी जिंदगी के साथ अपने करियर के लिए भी सुर्खियों में रही और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, लिहाजा ये साल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार साल बन गया। शादी की सालगिरह के 2 दिन बाद न्यूयॉर्क में दिखी प्रियंका की ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उनका व्हाइट कोट का लुक फैंस पर जादू कर गया।